हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर अनदर न्यू ब्लॉग। सो वही सो गाइस, तो आज मैं कुछ टॉपिक लाया हूँ जो ब्लॉग बनाते हैं, स्पेशली ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो यूट्यूब चैनल खोलने वाले हैं अपने, उसके लिए बना रहा हूँ। सो वही स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो नॉलेज के लिए है, मतलब कोई यूट्यूब चैनल खोलना चाहे उसके लिए है। तो मैंने काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला कि मतलब अपना YouTube चैनल खोलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कैमरा, ट्राइपॉड सब कुछ होना ज़रूरी है। आप स्टार्ट मोबाइल से, स्मार्टफोन के मोबाइल से ही कर सकते हो ब्लॉगिंग वगैरह। किसी का कोई सा भी चैनल खोल रहे हो, YouTube का कोई सा भी चैनल, टेक चैनल खोल रहे हो कोई भी, तो ज़रूरी नहीं है इन्वेस्टमेंट करना। आप मोबाइल से ही कर सकते हो स्टार्ट। जब आपका थोड़ा चैनल ग्रो हो जाएगा तो तब कैमरा ला सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हो, बस मोबाइल की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर मोबाइल का कैमरा 12 मेगापिक्सल होगा तो चल जाएगा काम। ज़रूरी नहीं है कि कैमरा की क्वालिटी चाहिए, तो काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला। और ये भी बोला मेरे को कि जो ब्लॉगिंग करना है तो फिर अगर मोबाइल से कर रहे हो तो बैक कैमरे से करो, अच्छा आएगा। ऐसा नहीं है, अगर जिसका कैमरा फ्रंट वाला अच्छा है तो वो फ्रंट वाले से भी बना सकते हैं, क्योंकि वो उनको पता नहीं रहता ना कि कैमरा किस जगह है, कहाँ पर भी देखना है, मतलब किस तरफ देखना है, वो उनको पता नहीं रहता है। बट मेरा क्या है कि मैं पहले से सोच के रखना हूँ क्या बोलना है क्या नहीं, किसके ऊपर ब्लॉग बनाना है। तो आज मैं स्पेशली जो लोग यूट्यूबर हैं उनके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। तो मेरा क्या है कि मैं अगर फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ ना, तो मेरा फोकस मेरे स्क्रीन पर नहीं जाएगा, मेरा फोकस जाएगा तो ओनली कैमरे पर जाएगा, मैं सामने ही देख रहा हूँ। तो कुछ गलतियां कर देते हैं लोग ब्लॉगिंग शूट करने के लिए। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब बहुत सारी करते हैं, कभी कैमरा मतलब कैसे पकड़ते हैं और स्टार्टिंग में कैमरा ले आते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है, मोबाइल से कर सकते हो। क्योंकि जब आपका चैनल ग्रो हो जाएगा तो उन पैसों से जब अर्न करोगे तो कैमरा ला ही सकोगे ना वो तो, पर वो बट अब कैमरे की क्वालिटी अच्छी होगी ना तो आप फ़ोन से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो वही, और माइक लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आप 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड, मेरा किसी का फ़ोन आ रहा है, मेरे को उठाना बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। सॉरी गाइस, वो मुझे थोड़ा फ़ोन आ गया था, बीच में जाना पड़ा क्योंकि इम्पोर्टेंट फ़ोन था, इसलिए मैंने फिर वीडियो कट कर दिया। तो अगर आप लोगों का अगर ऐसा कुछ हो जैसे कि इम्पोर्टेंट कॉल्स नहीं आ सकते, अगर नहीं आएगा उस समय, तो आप वीडियो मतलब फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे करके भी डाल सकते हो, आप मतलब ब्लॉग बना सकते हो। उससे क्या है, ना नोटिफिकेशन आएगा और ना ही आपका कॉल आएगा, तो उसमें डिस्टर्ब नहीं होगा। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, ये रहा मेरा ट्राइपॉड और ये है एक दूसरा फ़ोन। तो अगर आप फ़ोन इससे मतलब ब्लॉग शूट करोगे और वो बैक कैमरे से करोगे तो बैक मैं बताऊँ क्या होएगा और कैसे, मतलब ये रहा। और आप अगर ऐसे शूट करोगे तो आप अगर फ्रंट कैमरा से करोगे तो आपका फ़ायदा ये है कि आप मतलब आपको पता चलेगा कि आप बीच स्क्रीन में हो या नहीं हो। और अगर पीछे से करोगे यूं करके तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका जो है वो सेंटर में है, आप सेंटर में बात कर रहे हो या फिर साइड में कर रहे हो। तो अगर फ्रंट कैमरा अच्छा हो तो आप फ्रंट कैमरे से ही करिए, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरे कहने का मतलब ये है। तो अगर अच्छा नहीं है, सामने का अच्छा नहीं है, तो फिर पीछे से ही करिए। और मतलब पीछे से करने से फ़ायदा ये है कि मतलब क्वालिटी अच्छी आ जाएगी, पर थोड़ा मतलब दिखेगा नहीं आप सेंटर में हो या नहीं सेंटर, वो नहीं पता चलेगा। तो अगर जो भी हो आप उस हिसाब से सिचुएशन को देख के करना कि मोबाइल कौन सा है। मेरे ख्याल से अगर 10,000 का फ़ोन भी होगा आपका तो कैमरा सामने का अच्छा ही होगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे रोकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत टाइम कम मिलता ब्लॉग शूट करने का। आई थिंक मैं वीक में 2 वीडियो अपलोड कर पाऊँगा, रेगुलर तो शायद ही कर पाऊँगा। तो आज का मेरा यही था, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी, नॉलेज कुछ मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता मेरे को। तो सो गाइस, बस आज का यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।